भूत का डर, शादी का डर, कुत्तों का डर, पानी का डर, इन सभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेल, इस वीडियो में हम सीखेंगे फोबिया वाले वोकैबुलरी। फोबिया का मतलब होता है डर। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है मोनोफोबिया। मोनोफोबिया का मतलब होता है अकेलेपन से डर। वह व्यक्ति जिसे अकेलेपन से डर लगता है उसे आप कह सकते हैं कि इसे मोनोफोबिया है। हमारा सेकंड वर्ड है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया का मतलब होता है रात या अंधेरे से डर जिसे लगता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे रात या अंधेरे से डर लगता है और आप अचानक से एकदम लाइट बंद कर देते हैं उसका डर देखने के लिए, तो आप कह सकते हैं इसे निक्टोफोबिया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भूत से डर। बहुत से लोग जिन्हें भूत से बहुत डर लगता है तो उन्हें आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि इन्हें फास्मोफोबिया है। फास्मोफोबिया गति से डर लगता है, स्पीड से डर लगता है, तो उन्हें आप कह सकते हैं इन्हें टैकोफोबिया है। टैकोफोबिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पानी का डर। ऐसा व्यक्ति जिसे पानी का डर है, यानी कि वो स्विमिंग पूल में तैरने के लिए नहीं जा सकता, उसे लगता है मैं डूब जाऊंगा, तो उसे आप कह सकते हैं उसे एक्वाफोबिया है। एक्वाफोबिया जैसे एक्वामैन था, एक्वामैन मूवी थी, उसी तरीके से एक्वाफोबिया है जिसे पानी का डर कहते हैं। क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया वह व्यक्ति जिसे समय का डर रहता है कि टाइम निकला जा रहा है, उसे समय का बड़ा डर रहता है। ठीक, थानाटोफोबिया। थानाटोफोबिया जिसे मौत का डर रहता है, मौत से डर लगता है, उसे आप कह सकते हैं इसे थानाटोफोबिया है। ऐसा व्यक्ति जिसे जानवरों से डर लगता है तो उसे आप कह सकते हैं इसे ज़ूफोबिया है। ज़ूफोबिया। और गली में आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कुत्ते से डर लगता है तो उसे आप कह सकते हैं इसे साइनोफोबिया है। साइनोफोबिया। अब आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग शादी करने के बाद अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं, यार हमारी ज़िंदगी झंड है, तुम शादी मत करना, ये है वो। तो जिस व्यक्ति को शादी का डर होता है उसे आप कह सकते हैं गेमोफोबिया, कि यार इसे तो गेमोफोबिया है, इसे शादी का बहुत डर है, ये शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है।